हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। कौन सा है भाई? स्टैंडर्ड 10 का फिफ्थ चैप्टर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या भाई? तो आपको कोई भी एक नंबर का लिस्ट दिया होगा, उसमें आपको चेक करना है कि जो लिस्ट है, नंबर का लिस्ट है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या? तो जो भी आपको लिस्ट दिया है उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि उसके बीच कितने कितने नंबर का गैप है, जो भी गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। कैसे भाई, समझ में नहीं आया? देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने। सपोज आपको एक नंबर का लिस्ट दिया है, फर्स्ट मैंने आपको सैलरी दी है। चलो कोई भी एक वर्कर है, उसकी सैलरी पहले मंथ में थी कितने ले लेते, 7000। चलो उसके बाद इंक्रीज होकर सेकेंड मंथ को हो गई 7500, उसके बाद थर्ड मंथ को उसकी सैलरी हो गई 8000, उसके बाद 8500। इस तरह से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आता है तो लिस्ट बन गया। अबे लिस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एपी। ओके, एपी में है या नहीं? तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है भाई, 500 का है। 500 प्लस किया, इसमें भी 500 प्लस किया, इसमें भी 500 प्लस किया। तो भाई देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इक्वल है 500 500 500। यानी कि हमारी जो यहाँ पर नंबर का लिस्ट दिया वो कौन सा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया? चलो सेकंड एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर हम। सपोज आपको दे दिया कि 100 रुपीज़ है, उसके बाद 70 हो रहे हैं, उसके बाद 40 हो रहे हैं, उसके बाद 10 हो रही है, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है वैसा ही, कंपलसरी इंक्रीज हो वैसा नहीं होता है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा भाई, कितना डिक्रीज हो रहा है? तो 100 और 70 यानी कि 30 डिक्रीज हुआ, 70 में से 40 यानी 30, 40 में से 10 यानी 30 का डिफरेंस आया कॉमन। लेकिन देखिए डिक्रीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा मेन मेथड क्या है, तो हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। यानी कि 70 में से 100 को माइनस करेंगे तो देख लीजिए आप, 100 में से 70 जाएगा तो 30 बिग नंबर की साइन, ऐसे हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, यानी कि हमारा जो लिस्ट है वो कौन सा है, एपी में है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, तो पहचान पाते हैं कि हमारी जो सीरीज दी है, हमें जो लिस्ट दिया है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सपोज -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2, ऐसे चलता ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में इसमें इंक्रीज हो रहा है, -3 में से 2 -2 में से -1, उसके बाद 0 1 2, कितने कितने का गैप है भाई, यहाँ पर 1 1 का है, 3 में से 2 यानी 1 हुआ, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 होगा, 1 1 का गैप है, कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, यानी कि जो हमें लिस्ट दिया है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, अब चेक करने की मेन मेथड क्या है, सपोज मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास एक सीरीज है, कौन सी है भाई, मैंने यहाँ पर दे दिया A1 A2 A3 A4। ओके, ऐसे एक मैंने क्या दे दिया आपको, लिस्ट दे दिया, तो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, कॉमन डिफरेंस, तो उसको हम बोल देंगे डी। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, डी। तो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप भाई, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, यानी कि A2 - A1। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या कर देना है, थर्ड में से सेकेंड को माइनस, A3 - A2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, A4 - A3। ओके, इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस निकल देना है, दो या तीन बार चेक करना है। अगर दोनों में या तो तीनों में अगर आपका आंसर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो हमारी जो सीरीज दी है, जो लिस्ट दी है, वो एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिया है 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, ऐसे कंटिन्यूसली है सीरीज। ओके, तो इसको हम कौन सी सीरीज बोलेंगे भाई, इनफाइनाइट, क्योंकि चलती रहती है तो इनफाइनाइट। अगर स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिया तो फाइनाइट होगी। ओके, वो तो सिंपल है, अगर आपको डॉट डॉट दिए आपकी जो लिस्ट है वो चलती रहती है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर मैंने आपको 4 ही डिजिट दिए, इतना ही दिया, तो उसको हम फाइनाइट एपी बोलेंगे, यानी कि फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल है। तो चलो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना है, फिर डी फाइंड करना है। तो डी के लिए मुझे क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए, तो फर्स्ट होगा वो A1 A2 A3 A4 ऐसे कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, तो मैं क्या फाइंड करूँगा, पहले तो A2 - A1, तो 9 में से 6 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई,
थ्री। उसके बाद मुझे दूसरा चेक करना है A3 - A2, तो क्या आंसर आता है 12 - 9 इज इक्वल टू B3। कॉमन डिफरेंस देखिए इक्वली आता है। और लास्ट चेक कर देते हैं यहाँ पर A4 में से किसको माइनस करेगी भाई, A3 को, यानी कि 15 - 12, तो भी हमारा आंसर क्या बचता है 3, यानी कि हमारे सभी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आंसर में, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे ओवर द लिस्ट जो है, और लिस्ट हमारा किस में है, AP में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं द नंबर ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ नंबर इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलो अब मैं यहाँ पर एक सीरीज लिख रहा हूँ कि सपोज कोई लिस्ट दिया है मुझे A1 A2 ए नंबर का लिस्ट है, A3 A4 ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसका मुझे फोर्थ टर्म तो है यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर 50th नंबर का टर्म चाहिए, 100th नंबर का टर्म चाहिए, तो क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि आपको कोई भी टर्म चाहिए वो हमें फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको दे रहा हूँ फाइंडिंग टर्म, ओके, मुझे कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, an इज इक्वल टू, an यानी जो मुझे टर्म फाइंड करना है कोई भी हो, n यानी कोई भी, 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, 15th वाला, 100th वाला, कोई भी टर्म चाहिए आपको, और n की प्लेस पर पुट कर देना है, इज इक्वल टू a+n-1d, ओके। इतना ही फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखना है इसमें दो ही टर्म है, पहला वाला a है और सेकेंड पूरा है n-1d, वेर a इज इक्वल टू क्या है भाई, a इज इक्वल टू तो फर्स्ट टर्म होगा आपको, जो फर्स्ट में दिया होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा a यानी फर्स्ट टर्म। उसके बाद n यानी तो टर्म, आपको जो भी नंबर का टर्म चाहिए उसको हम बोल देंगे n यानी कि टर्म। और उसके बाद है d यानी आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी क्या होगा भाई, A2 - A1 ले लेना है। तो ए हो गई, मुझे कोई भी टर्म फाइंड करना है जनरली, मुझे सीरीज तो दी होगी क्वेश्चन में, लिस्ट तो दी होगा नंबर का, सपोज मुझे 3-4 नंबर दे दिए है और मुझे बाकी के सपोज 40 वाला टर्म, 50th वाला टर्म वो भी फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और फाइंड कर लेगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ दिया है यहाँ पर ए और डी, सिर्फ दो ही चीज दी है और इसके पर से मुझे क्या बनाना है, तो ऐसा लिस्ट बनाना है, ऐसी सीरीज बनानी है कि जो एपी में हो, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है मुझे, तो कौन सा हो जाएगा डायरेक्टली फर्स्ट टर्म यानी ए, सिंपल है। उसके बाद मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा लाइन में ही, तो जो भी आपको ए मिला है ना उसमें जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस डी, उसको प्लस कर देना है, वो तो आपके पास है ही ना उसकी वैल्यू। तो उसके बाद थर्ड टर्म चाहिए, तो क्या करना है, तो A+2D कर देना है, जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर थर्ड टर्म है तो उससे कम नंबर लेना है और उसको D से मल्टीप्लाई किया मैंने, थर्ड टर्म था तो उसके आगे वाला कम नंबर यानी कि 2 होगा, तो 2 को मैंने D से मल्टीप्लाई किया। तो अब मुझे अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, A तो रहेगा ही रहेगा, उसके प्लस क्या करूँगा, D को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 3 के साथ, 4 से एक नंबर कम ले लेना है। तो आपको जितने टर्म चाहिए स्टार्टिंग के वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए सपोज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज मुझे यहाँ पर दिया है कि A इज इक्वल टू 10 दे दिया है, चलो, और कॉमन डिफरेंस दे दिया है मुझे 6 हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, तो बाकी के जो टर्म्स है 3-4 टर्म्स और सीरीज ऐसे फाइंड करनी है इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो मुझे इजीली मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 ही है, हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकेंड टर्म फाइंड कर देंगे, सेकेंड टर्म के लिए मैंने आपको क्या दिया है फॉर्मूला, तो A+D कर देना है, तो 10+6 यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे थर्ड और फोर्थ टर्म भी फाइंड करना हो तो थर्ड टर्म क्या होगा सीरीज का, A+2D, तो A हमारा है 10+2 × D 6 है, तो 10+ हो जाएगा 12 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 22।
उसके बाद अगर मुझे फोर्थ टर्म भी चाहिए तो चलो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो डी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है भाई, फोर से एक कम कर देना है यानी कि थ्री डी से। तो ए हमारा टेन है प्लस थ्री और डी हमारा सिक्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेन प्लस सिक्स थ्री जा 18 यानी कि 28 मिल गया है। तो यहाँ पर मुझे सीरीज लिखनी हो तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, पहला फर्स्ट टर्म 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, उसके बाद 28 डैश डैश डैश, ऐसे कर देंगे, इनफाइनाइट चलता ही रहेगा ना ऐसे टर्म, तो कितने कितने का गैप है भाई सभी में, 6 6 प्लस करते जाना है तो भी हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज़ करके सीरीज फाइंड कर सकते हैं जो कैसी होगी, एपी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो चलो इसके बाद हम देखेंगे 5.1, 5.1 में क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक स्टोरी सम्स टाइप दिया है, उसके पर से हमें पहले तो लिस्ट बनाना है नंबर का यानी कि सीरीज बनानी है, उसके बाद चेक करना है कि जो हमें सीरीज दी है कोई भी नंबर का लिस्ट दिया है वो एपी में है या नहीं यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा ना, कॉमन डिफरेंस। तो पहले सीरीज बनाएंगे उसके बाद उसका डिफरेंस चेक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक गुड बाय, टेक केयर। Thank you.